अस्सलाम वालेकुम मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और प्यारे प्यारे बहनों, तवज्जो फरमाइए। अल्लाह अज्जवजल आपको दीन और दुनिया के नेक कामों में बरकत दे। हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक नमाज कायम करने की तौफीक दे। आशा करते हैं कि आप खुश और सेहतमंद होंगे। तो चलिए आपको वाकिया सुनाते हैं, तवज्जो फरमाइए। और ऐसे अच्छे अच्छे वाकियात और मदनी गुलदस्ताए सुनना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बनी इसराइल मिस्र से चलते वक्त किप्तियों से कीमती जेवर मांग लाए थे, मगर वो उन जेवरात का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे क्योंकि उनकी शरीयत में गनीमत के माल का इस्तेमाल जायज न था, बल्कि आग उसे जला जाती थी। बनी इसराइल में एक सुनार था जिसका नाम याया या मूसा बिन जफर था। कबीले बनी सामरी का फर्द था, इसलिए उसको सामरी कहते थे। कुवारी लड़की से पैदा यानी हरामी था। उसकी माँ शर्म से उसे पहाड़ी गार में छोड़ आई थी। रब ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम के जरिए उसकी परवरिश कराई, मगर जवान होकर रहा काफिर और जादूगर। वह सोने के काम में बड़ी महारत रखता था, मुनाफिकत में ईमान लाया था। उसके पास हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम की घोड़ी के सूम के नीचे की मिट्टी थी, जो कि फिरौनियों के डूब जाने के वक्त दरियाए कुलजम से उठा लाया था। जब बनी इसराइल फिरौनी फौज से निजात पाकर दरियाए कुलजम से निकले, तो रास्ते में उन्होंने एक कौम को गाय को पूछते देखा था और मूसा अलैहि सलाम से कहा था कि हमारे लिए भी परवरदिगार की सूरत बना दो, ताकि उसे सामने रखकर हम इबादत कर लिया करें, जिससे हमारा ध्यान न बटे। मूसा अलैहि सलाम ने उन्हें डांट दिया था। सामरी ने पता लगाया था कि फिरौनियों की सोबत की वजह से बनी इसराइल में बुत परस्ती का मादा मौजूद है। अगर उनको बहकाया जाए तो आसानी से गुमराह हो जाएंगे। बनी इसराइल ने नजर मानी थी कि अगर हमको रब ताला ने फिरौन के चंगुल से निजात दी तो हम उसकी इताअत करेंगे। जब उन्हें निजात मिल गई और फिरौनियों की हलाकत के बाद वो मिस्र की तरफ लौटे, तब हजरत मूसा अलैहि सलाम ने उन्हें वह नजर याद दिलाई। उन्होंने कहा, हमें दिलो जान से यह बात मंजूर है, लेकिन हमें रब के अहकाम की खबर नहीं, हम इताअत कैसे करें। मूसा अलैहि सलाम ने बारगाहे इलाही में अर्ज किया, तब उनसे फरमाया गया कि तुम कोहे तूर पर आना और वहाँ 40 दिन एतिकाफ और इबादत करना, तब तुमसे बिला वास्ता कलाम भी किया जाएगा और तुम्हें तौरात भी दी जाएगी। लिहाजा मूसा अलैहि सलाम बनी इसराइल से 30 दिन का वादा फरमाकर कोहे तूर की तरफ रवाना हुए और वहाँ पहुँचकर पहली जिलगत से एतिकाफ शुरू किया। पहले 30 दिन तूरे सीना में कयाम का हुक्म था। जब आप यह म्याद पूरी कर चुके और 30 रोजे रख चुके और बारगाहे इलाही में तौरात लेने हाजिर होने लगे, तो ख्याल आया कि मैंने बहुत रोज से मिसवाक नहीं की है, शायद मुँह में बदबू हो, मिसवाक कर ली। अल्लाह का हुक्म हुआ कि ए मूसा, तुमने अपने मुँह से वह खुशबू दूर कर ली जो हमें मिश्क से भी ज्यादा पसंद है, लिहाजा 10 रोजे और रखो ताकि तुम्हारे मुँह में फिर वही खुशबू पैदा हो जाए। इधर 30 दिन गुजरते ही इसराइलियों में खलबली मच गई। उन्होंने हजरत हारून अलैहि सलाम से पूछा कि हम इन जेवरात का क्या करें। आपने फरमाया, एक गड्ढे में डालकर जला दो और उसकी राख जमीन में दफन कर दो। उधर सामरी ने इन लोगों से कहा कि मूसा अलैहि सलाम तुम्हारे ही तरह के बशर है, सिर्फ जादुई असा की वजह से एक करतब दिखाते हैं और तुमसे बढ़ गए हैं। तुम वह सारा सोना मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हारे लिए उससे भी अजीब तर जादू बना दूं, जिससे तुम्हें मूसा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यह भी कहा कि मूसा वफात पा गए हैं। इसराइलियों ने सारा सोना सामरी के हवाले कर दिया। उसने जवाहिरात और याकूत अलग निकाल लिए और सोना गलाकर एक निहायत खूबसूरत बछड़ा बनाया और जवाहिरात व याकूत को उसके नाक, कान, आँख,
जानू और कदमों पर निहायत करीने से जड़ दिया, जिससे वह और भी दिलकश हो गया। और जिब्राइल अलैहि सलाम की घोड़ी के सुमों के नीचे की खाक उस बछड़े के मुंह में डाल दी, जिससे उसमें हरकत पैदा हो गई। कुछ लोगों ने कहा है कि उसकी नाक में दो सुराख रखे थे, जिनसे होकर हवा गुजरती थी और उससे आवाज पैदा होती थी, लेकिन सही यह है कि यह आवाज खाक की तासीर से पैदा हुई थी। कुरान फरमाता है कि खुद सामरी बोला, मैंने जिब्राइल अलैहि सलाम के आसार से मुट्ठी भर खाक ले ली, वह बछड़े में डाल दी। उसने इसराइलियों से कहा, देखो खुदा इस बछड़े में समा गया है। मूसा अलैहि सलाम इसे तूर पहाड़ पर ढूंढ रहे हैं और यह हमारे पास आ गया है। इसराइली बहकावे में आ गए। सामरी ने एक बड़े से खेमे में यह बछड़ा खड़ा किया और उसके आसपास बड़े शानदार फर्श बिछाए और खेमे के सामने नौबत और चंग बजवाई, गीत गाने शुरू किए। इसराइली मर्द और औरत वहां जमा हो गए। कोई उसकी इबादत करने लगा, कोई उसके सामने समाधि लगाकर बैठ गया, सिवाय हजरत हारून और उनके 12,000 साथियों के बाकी सारे इसराइली इसमें मुब्तला हो गए। उनके 3 गिरोह बन गए, एक वो जिन्होंने बछड़े की पूजा की, दूसरे वो जो हजरत हारून अलैहि सलाम के 7 दिन की तबलीग में मशगूल हुए और लोगों को बछड़े की पूजा से रोकते रहे, तीसरे वो जो खामोश रहे, न पूजा की और न इनकार किया। पहला और तीसरा गिरोह इताब में आ गया और दूसरा गिरोह सलामत रहा। उधर मूसा अलैहि सलाम को 10वीं जिलहज दोपहर के वक्त तौरात अता हुई और रब ताला ने उन्हें खबर दी कि तुम्हारे पीछे तुम्हारी कौम गफलत में पड़ गई है। मूसा अलैहि सलाम यह सुनकर बहुत गमगीन हुए और वहां से बहुत जल्द वापस आए और अपनी कौम का हाल देखकर जलाल में आ गए। गुस्से में तौरात शरीफ की तख्तियां आपके हाथ से गिर गई या गिरा दी और अपने बड़े भाई हारून को मारने लगे कि तुमने बनी इसराइल को शिर्क क्यों करने दिया। हजरत हारून ने बनी इसराइल की सरकशी और अपनी मजबूरी जाहिर फरमाई कि मैंने इनको बहुत रोका मगर ये न माने। तौरात शरीफ के कुल 7 हिस्से थे, गिर जाने से 6 गायब हो गए और एक हिस्से में जरूरी मसाइल थे, वह बाकी रह गया। आपने बनी इसराइल को तौबाह का हुक्म दिया और सामरी को बद्दुआ दी और बछड़े को जलाकर उसकी खाक दरिया में डाल दी। कुछ इसराइलियों को बछड़े से ऐसी मोहब्बत हो गई थी कि उन्होंने तबरक के लिए दरिया का पानी छुपकर पिया, जिसमें यह खाक फेंकी गई थी, जिससे उनके ओंट काले पड़ गए और पेट फूल गए और उनकी तौबा कबूल न हुई। तफसीरे नहीं।